ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन जिला दुर्ग के बैनर तले बिल्किस बानो पर हुए जघन्य अपराध के दोषियों को रिहा करने के गुजरात सरकार के गैर लोकतांत्रिक व महिला विरोधी रवैया के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन द्वारा बिल्किस बानो पर हुए जघन्य अपराध के दोषियों को रिहा करने के गुजरात सरकार के गैर लोकतांत्रिक व महिला विरोधी रवैये के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर दुर्ग के पटेल चौक पर प्रदर्शन किया। वही प्रदर्शन में उपस्थित ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन की दुर्ग जिला कमेटी सदस्य पद्मा पाटिल ने बिल्किस बानो के मामले में दोषियों को छूट देने के फैसले की कड़ी निंदा की और कहा कि सरकार द्वारा उठाया गया ये कदम हमारी न्याय व्यवस्था का मजाक है। गोधरा कांड के बाद पूरे गुजरात राज्य में सांप्रदायिक दंगे फैल गए थे। बिल्किस बानो मामले में 7 लोगों की हत्या एवं गैंग रेप के आरोप में 11 अपराधियों को दोषी ठहराया गया था। मुंबई की विशेष सीबीआई कोर्ट ने उन्हें 2008 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। बिल्किस बानो मामले में लंबे संघर्ष के बाद न्याय मिला था। इस मामले के दोषियों को रिहा करने का निर्णय हमारे देश के सांप्रदायिक असामाजिक तत्वों को प्रोत्साहित करेगा और इतना ही नहीं, ऐसे मामले में जिसमें बलात्कार, सामूहिक बलात्कार और हत्या के आरोप में अपराधियों को दोषी ठहराया गया था, उनको रिहा करने का यह निर्णय हमारी न्यायिक प्रक्रिया की स्वतंत्रता के लिए एक गंभीर खतरा पैदा करेगा। लेकिन विडंबना यह है कि गुजरात राज्य की भाजपा सरकार ने जो फैसला लिया उसके तहत दंगाइयों, हत्यारों और बलात्कारियों को रिहा कर दिया गया। अगर इन अपराधियों को फिर से सलाखों के अंदर नहीं डाला गया तो सिर्फ बिल्किस बानो ही नहीं, देश की किसी महिला को इंसाफ नहीं मिलेगा। जो हुई है जिसमें 11 आरोपियों ने उनके साथ पहले बलात्कार किया और फिर उनके घर के सदस्यों को, उनके बच्चों को उन्हीं के सामने मार दिया गया, इसी के विरोध में हम लोग यहाँ पर प्रदर्शन करने आए हैं कि इस जघन्य अपराध में जितने भी अपराधी संलिप्त थे, 11 अपराधी, उन लोग को 15 अगस्त को रिहा कर दिया गया है। तो हमारा ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन की तरफ से मांग है कि उन अपराधियों को जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और जो फैसला लिया गया है उनको रिहा करने का, उनको वापस लिया जाए। और हमारा यही मांग है कि पूरे देश में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित की जाए। और आज हम देख रहे हैं जिस तरह से अपराध को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिस तरह से अगर रिहा किया जाएगा अपराधियों को तो अपराध को और भी बढ़ावा मिलेगा। और जो हमारी देश की न्याय व्यवस्था है वो पूरी तरह से, मतलब लोगों का विश्वास उस पर पूरी तरह से उड़ जाएगा। इसलिए आज हम लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं आगे में महिला सांस्कृतिक संगठन की तरफ से। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।